मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया में रहते हुए रविवार के दिन स्थानीय ठंडी सड़क क्षेत्र स्थित शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 परिसर में बने 100 सीटर बालक छात्रावास नवीन भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के छात्र छात्राओं को नवीन बालक छात्रावास की सौगात देते हुए कहा कि भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार गरीबों, युवाओं, छात्रों की सरकार है। आप लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देगी। ये छात्रावास आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसमें आप रहकर और बेहतर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन कर और उन्नति हासिल करें। इसी के बाद मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पार्टी पर एवं नेताओं पर निशाना साधा। दरअसल जब मैं शिलान्यास करने आया था तब मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना भव्य हो जाएगा। अभी मैं इसको निहार रहा था बहुत दूर से। किसी शायर ने एक शायरी कही है, तुझको निहारता हूँ सुबह से रितम भरा, अब श्याम हो चली है लेकिन मन नहीं भरा। पता नहीं क्यों मेरे ये, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और माई की कृपा मानता हूँ। दतिया में जितने शिलान्यास हुए उन सबको उद्घाटन भी मैंने ही किए। ऐसा होता नहीं है, इतिहास ऐसा कहता है कि जो पेड़ खुद लगाता है वो कम लोग होते हैं जो फल खा पाते हैं। पर यहाँ जितने शिलान्यास हुए सबके उद्घाटन भी मैंने ही किए। 15 महीने के कालखंड में मैंने सोचा था कि शायद मेरे कांग्रेस के मित्र एक हाथ शिलान्यास अथवा एक हाथ उद्घाटन तो कर देंगे, पर वार द्वितीया तेरा दुर्भाग्य के एक भी शिलान्यास एक भी उद्घाटन नहीं कर पा। सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग की तो इनकी सुनता कौन, डरा और धमका के पैसा वसूल करते रहे। रेत के नाम पर, खेत के नाम पर, प्लॉट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 15 महीने हमारी चलती बेल काट दी इन कांग्रेस के लोग। मैं सोचता था कि दतिया में क्योंकि बीजेपी का विधायक है इसलिए शायद विकास नहीं हो रहे हो, पर जब मैंने भाडेर पे नजर मारी तो वो तो चीखता मिला मुझे। सेवड़ा पे नजर मारी तो वो बैठता दिखा मुझे। मैंने भाडेर सेवड़ा चल ही नहीं पाया और भाडेर चीखता रहा विकास की राह जो होता रहा। ये तुलना मैंने दोनों की इसलिए की आप सबसे कि इन्होंने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। वो कौन सी एक प्रजाति है जो खुद अपने बच्चों को पैदा करके खुद ही खा जाती है, पता नहीं कौन है वो। जो भी है कमोवेश जो भी हो मैं जानता नहीं, मैंने सुन रखा है। तो वैसे कांग्रेस है, ये कांग्रेस को खा गई कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल जी, ये कांग्रेस को खुद ही खा रहे हैं बैठ के। स्थिति ये है कि नकुलनाथ जी वो किसी ने कहा था कि नौजवानों के नेता नकुलनाथ